हाय फ्रेंड्स, दिस इज आतिफ एंड यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना मैं एक ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा, मेरे पीछे रखा हुआ है डिजीटेक डीटीआर 550LW ब्रांड का एक ट्राइपॉड। अगर आप ट्राइपॉड लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्या आपको ये वाला ट्राइपॉड लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके क्या क्या फीचर है, वो सारी चीज़ें ना हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं इस ट्राइपॉड को अनबॉक्स करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, आप इस ट्राइपॉड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस पूरे ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग को जानने समझने, इसमें क्या क्या फीचर है, सारी चीज़ें, प्राइस है, वो सब कुछ देखने और समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे ट्राइपॉड का बॉक्स, ऊपर से दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि इस ट्राइपॉड को ना मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया है, यानी कि ये मेरे पास कल आया था तो कल मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया। उसके बाद आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग दोबारा से कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए इसे मैंने दोबारा से अंदर जिस तरीके से ये पैक होके आया था ना, मैंने उस तरीके से इसे अंदर रख दिया है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग फिर से करने वाला हूँ। तो इसका बॉक्स ऊपर से दिखने में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसके बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या इसके फीचर हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर इनके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, तो इसको अनबॉक्स करने से पहले हम इसके फीचर को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलता है इसके हेड को एडजस्ट करने के लिए थ्री वे हेड विथ एडजस्टेड पैन। ये हेड को इसके एडजस्ट करने के लिए तीन वे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये लेग है, ये रबराइज्ड लेग मिलता है। इसके लेग के नीचे वाला सेक्शन जो है, जिस जहाँ पर अगर इसे आप रखेंगे कहीं पर, तो इसका जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है, ये आपका रबराइज्ड मिलता है, यानी रबड़ उसमें लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा आपको मिलता है एक कन्वीनियंट एक्सेसर हुक। ये कन्वीनियंट एक्सेसर हुक, इसका क्या काम है दोस्तों, आप अगर बाहर कोई चीज़ शूट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये चीज़ जो आपको मिलती है, आप अगर हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो कोई थोड़ा बहुत वेट आप यहाँ पर लगा के नीचे लगा सकते हैं, ताकि आपका ट्राइपॉड हिले ना, ठीक है। तो इसलिए मिलता है ये, कुछ इस तरीके से हुक आता है, यहाँ पर बना हुआ है, नीचे आपके ट्राइपॉड में होगा, तो उस जगह पर आप कुछ वेट को लगा सकते हैं ताकि आपका ट्राइपॉड गिरे ना, ठीक है। ये तीन थे। अब इसमें चौथा एक स्टेप बताया गया है, बबल हेड टू एडजस्टेड हॉरिजेंटल पोजीशन। इस हेड को हम लोग हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरीके से शूट करते हैं, तो यहाँ पर एक आपको बबल मिल जाता है उस हेड में, जिससे आप आसानी से हॉरिजेंटली और वर्टिकली शूट कर सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा फ़ायदा है कि आप इससे हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से शूट कर सकते हैं। जैसे आप टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, तो आप आसानी से वर्टिकली या हॉरिजेंटली वीडियो को शूट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, मल्टीपर्पज़ हेड विथ क्विक रिलीज। यहाँ पर आपको एक क्विक मिलता है, जिसमें आप अपने DSLR कैमरा को या फिर मोबाइल फ़ोन को, मल्टीपर्पज़ है यानी कि इसमें आप मोबाइल फ़ोन को भी अपने लगा सकते हैं, DSLR कैमरा कुछ भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वही सेम चीज़ है, DSLR के लिए है, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के लिए है। अब उसके बाद इस तरीके का देखने में कुछ ये ट्राइपॉड आता है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर दिए हुए हैं कि इसकी हाइट क्या है, कितना इसका वेट है, क्या क्या, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये मैक्सिमम लोड 5 किलो का ले सकता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस पर अगर आप लोड दे सकते हैं तो 5 किलो, यानी कि इस मैक्सिमम 5 किलो का ये अपने ऊपर लोड ले सकता है। मैक्सिमम हाइट इसकी सबसे ज़्यादा अगर हम हाइट की बात करें तो ये 5.57 फीट का है, यानी कि 5.5 फीट से ज़्यादा ये ट्राइपॉड है बड़ा, ठीक है, 5.5 फीट से ज़्यादा बड़ा ये ट्राइपॉड है, यानी कि 1700 mm। उसके बाद फोल्डेड हाइट, यानी कि इसे जब हम फोल्ड कर देते हैं तो इसकी सबसे फोल्डेड यानी इसकी मिनिमम हाइट की अगर हम बात करें तो वो है 615 mm, यानी 615 mm इसकी मिनिमम हाइट है, यानी कि फोल्ड करने के बाद इसकी हाइट जो होती है वो है 615 यानी 615 mm। उसके बाद मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर, इसका मैक्सिमम जो ट्यूब का डायमीटर है वो है 26.5 mm, 26.5, अगर इसे बात करें 26.5 इसका क्या है ट्यूब डायमीटर मैक्सिमम है, 26.5 क्या mm, ठीक है। उसके बाद ट्यूब डायमीटर इसका सबसे कम, मिनिमम ट्यूब डायमीटर इसका है 20 mm, ठीक है।
उसके बाद वेट 1.2 kg, इस ट्राइपोड का जो वेट है वो है 1.2 यानी कि 1.2 किलो, 1.2 kg, ठीक है, इसका ट्राइपोड का वेट है। उसके बाद सेक्शन 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन दिए हैं आपको इसे रखने के लिए। यहाँ पर आपको लॉक मिल जाता है जिससे आप इसके लेग को अनलॉक करके और बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन मिलते हैं, 1 सेक्शन आपका पहले से यहाँ ये वाला सेक्शन ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 सेक्शन मिलेंगे जिसे आप ओपन करेंगे। 1 सेक्शन आपका पहले से ओपन होगा, जो यहाँ पर ये वाली हाइट बताई ना, तो ये मिनिमम हाइट जो है ये 1 सेक्शन की है, ठीक है। 1 सेक्शन आपका पहले से ओपन होगा, 3 सेक्शन यानी कि इस फर्स्ट वाली को जोड़ के 3 सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन को आपको ओपन करना होगा। वो कैसे, वो मैं अभी आगे आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये इस ट्राइपोड के बॉक्स से ऊपर कुछ चीज़ें जो लिखी थी जो इंपॉर्टेंट थी आप सभी लोगों को बताना था। तो इस ट्राइपोड के बॉक्स के ऊपर कुछ ये सारे फीचर दिए गए हैं, ये मैं आपको आगे अभी दिखा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़, इसमें आपको साथ साथ मोबाइल फ़ोन होल्डर होता है, ये आपको इसके साथ मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल का होल्डर आपको इस ट्राइपोड के साथ ही मिल जाता है। सो दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर तो ये सारी चीज़ें थी, अब चलिए हम इस ट्राइपोड को अनबॉक्स करके देखते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम इसे अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं अंदर इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये कैसे है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने इसे पहले अनबॉक्स कर लिया, पर आपको दिखाने के लिए इसे मैंने दोबारा वैसे ही इसके अंदर रख दिया जिस तरीके से ये आया हुआ था। उसके बाद हम इसे अब आपके सामने अनबॉक्स करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, यहाँ से हमने इसे खोल लिया, ठीक है। इसके अंदर हमें ये मिलता है बैग, इसे हम बॉक्स को साइड में रखते हैं। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें तो हमने आपको पहले ही बता दी। अब ये हमको मिलता है कुछ इस तरीके से, इसकी पैकिंग आती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको बैग मिलता है जिसमें ये अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर आप इसे रख करके कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ले आ जा सकते हैं। तो ये बैग हमको अच्छा लगा क्योंकि इसे ले जाने में आने में कहीं बहुत ही ज़्यादा आसानी है। यहाँ पर आपको एक ये मिल जाता है बैग को टांगने वाला, तो ये छोटा सा है, इसके अंदर कवर इसका जिसके अंदर आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए अंदर हम इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ से हम इसे ईजिली ओपन कर लेंगे, छोटी सी चैन दी गई है। उसके बाद ये अंदर है हमारा ट्राइपोड, ये यहाँ से इसे निकल जाएगा बाहर। ये है हमारा ट्राइपोड जिसमें यहाँ पर एक पॉलीथीन लगी है ऊपर की तरफ, उसके बाद एक अंदर है, इसे ऊपर से निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं, बैग के अंदर देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है एक मोबाइल होल्डर, किसी किसी ट्राइपोड में ये मोबाइल होल्डर नहीं आता है, इसमें ये दिया है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और ट्राइपोड कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये मोबाइल होल्डर आपको अलग से लेना पड़ता है, इसमें मोबाइल वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये वाला इसमें दिया हुआ है, ये था अंदर एक पैक होके आता है, वो चीज़ मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम इसे लूज़ कर लेंगे, लूज़ करने के बाद ये इसका हेड जो है स्ट्रेट हो जाएगा यानी सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे लूज़ करके ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, इसको लूज़ अगर आप करेंगे तो ये इजीली 360 डिग्री पूरा आपका ये मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसे हम टाइट कर देंगे, ये चीज़ लॉक जो दिया है, तो इससे ये इजीली मूव नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसे लूज़ करेंगे तो ये स्मूथली 360 डिग्री पूरा आपका मूव हो जाता है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें। और यहाँ से ये जो दिया है ये, इसे आप अगर लूज़ करेंगे तो आप एंड डाउन इसे आप इजीली कर सकते हैं पूरा। आपका ऊपर का शॉट लेना है, आप शॉट या डाउन शॉट लेना है, तो इसे इससे आप इजीली आप एंड डाउन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आता है ये चीज़ दी गई है,
यहाँ से हम इस चीज को निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, ये है, इसमें आपका कैमरा होल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस वाले माउंट में, और ये हमारा मोबाइल फोन का आता है। ठीक है, तो इस मोबाइल फोन वाले को हमको इसमें लगाना है, यहाँ पर ये चीज यहाँ से लगा के, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये चीज दी गई है, इससे हम इसे टाइट कर देंगे। ठीक है, इस चीज से देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हम इसे ऐसे लगाएंगे, उसके बाद ये नीचे पीछे आपको मिल जाता है, जिससे आप इसे टाइट कर सकते हैं, यहाँ से ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लॉक को ओपन करके फिर से इसे हम अंदर लगा देंगे, उसके बाद इसे अनलॉक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको YouTube के लिए वीडियो बनाना है 9:16 रेशियो ये वाला मोबाइल का कुछ इस तरीके का रेशियो, तो यहाँ पर आपका बनेगा। लेकिन अगर हम इंस्टा रील की बात करें, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, टिकटॉक पर रील बनाते हैं, तो वो वाला शॉट आपको कैसे लेना, ये जो एक लॉक यहाँ पर ये वाला जो दिया है, इधर से आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ये वाला लॉक दिया है ना, इस लॉक को हमको लूज करना है, ये वाला लूज करेंगे, उसके बाद इस चीज को हम आसानी से इस तरीके से कुछ कर देंगे। तो ये हमारा रील्स वाला या बोले टिकटॉक वीडियोस वाला शॉट यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला, और ये भी आसानी से 360 डिग्री मूव हो जाएगा। तो ये थी पूरे अपने इस हेड की बात, यहाँ पर आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक हैंडल मिल जाती है कैरी करने के लिए, ये आपको हैंडल मिल जाता है। जब इसकी पूरी फुल लेंथ होगी ना, तो इस उस टाइम आप इसे आसानी से या कभी भी इसे आप कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज की पूरी ऊपर हेड की बात, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं ये कितना ओपन होता है। उसके लिए हम अपने इस टेबल को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद आपको नीचे पूरा इसे ओपन करके दिखाएंगे कि ये फुल इसकी लेंथ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो स्टेप मिलते हैं इसे ओपन करने के लिए। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप अनलॉक किया हमने, ये नीचे खुल गया, इसे फिर से लॉक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, सब में फर्स्ट स्टेप हम अपना ओपन कर लेते हैं, इसे अनलॉक किया, फिर से लॉक कर दिया। यहाँ पर हमको मिलता है, इसे हमने अनलॉक किया, इसके लिंक को पूरा ओपन किया, इसे आप लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे आप ओपन करने के बाद इस लिंक को लॉक कर दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कुछ इतना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेकेंड स्टेप इसका ओपन करके देखेंगे, तो ये और कितना बड़ा जाता है। ये इसका सेकेंड स्टेप आता है हमारा, यहाँ से हमने अनलॉक करके उसके बाद इसे ओपन करके लॉक कर दिया। ठीक है, इसका यहाँ पे सेकेंड स्टेप है, इसे हमने अनलॉक किया, उसके बाद इसे हम फिर से लॉक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका दोनों लेग जो है ओपन कर दिया है, और इस हेड के बारे में तो मैंने पूरा आपको बता दिया। ये लॉक यहाँ से देख सकते हैं, इसमें हमको लूज करना है, लूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ये एक, इससे आप इस चीज को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ये ऊपर जाते जाते आपका इसकी मैक्सिमम हाइट ये है, जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ये इस ट्राइपॉड की मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे आपको इस चीज से इसे आसानी से, और हाँ एक चीज, इसे अगर आप पूरा ऊपर लेके चले गए ना, इसे यहाँ से लॉक करना मत भूलिएगा, इसे यहाँ से आपको लॉक कर देना है, ताकि इस पर जब वेट मोबाइल फोन हो या आपका कैमरा हो उसका वेट पड़े ना, तो ये नीचे ना आए। अगर यहाँ से हम इसे लूज कर देंगे इस लॉक को, ठीक है, अनलॉक कर दिया हमने, लूज कर दिया, तो ये आसानी से देखिए नीचे चला रहा है, अगर इस पर वेट पड़ेगा तो ये तो और नीचे चलाएगा, इसलिए आप इसे लॉक करना मत भूलिएगा, इसे यहाँ से आप लॉक कर दीजिएगा। तो ये इस ट्राइपॉड की पूरी मैक्सिमम हाइट है, हाइट इसकी काफी अच्छी है, इसमें ये 360 का मूवमेंट अच्छा है। ठीक है, उसके बाद, और दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका लेवल दिया है, जब आप शूट कर रहे हैं वीडियो को या कुछ कर रहे हैं, तो इसे आप यहाँ से अपना सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको वाटर लेवल एक दिया है, ये अगर आपका वाटर वाला लेवल जो बीच में होगा एकदम मिडिल में, तो समझ लीजिए आपका ये ट्राइपॉड एकदम यानी कि सही रखा हुआ है। इसका लेवल, वाटर का लेवल की वजह से हम समझ जाएंगे हमारा ट्राइपॉड एकदम सही है। ठीक है, इसे यहाँ से लूज करेंगे, इसे आगे थोड़ा सा करेंगे, हल्का सा पीछे पीछे, उसके बाद ये चीज, अब यहाँ पर वाटर का लेवल आप देख सकते हैं कि एकदम मिडिल में, बीच में आ गया है। इसका मतलब हमारा ट्राइपॉड अब एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से 360 मूवमेंट भी इसका नहीं होगा। यहाँ से ये सारी चीजें आप अच्छे से टाइट कर दीजिए सारे लॉक को, ताकि अब आपका ये एकदम फिट है, ना इसका 360 मूवमेंट होगा, ना ये अप एंड डाउन होगा। तो यहाँ से आप एक अच्छा शॉट ले सकते हैं, अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल पर आपको इसी तरह की अनबॉक्सिंग
और साथ ही साथ हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल के बिहाइंड द सीन जो मेन चैनल है उसका बिहाइंड द सीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और यहाँ पर आपको शॉर्ट्स वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मैं कैसे शूट करता हूँ, क्या चीजें, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रखना ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।